करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन सभी एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप लोगों ने इन सभी एप्लीकेशन का अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा है और चाह रहे हैं कि फ्यूचर में भी नहीं करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लाल कलर का बटन दबा के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं किस्त, नावी, स्मार्ट कॉइन, एम पॉकेट, कैशी, ट्रू बैलेंस और भी जितने भी NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है उन सभी के बारे में। तो अगर आप लोग इस सभी एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये एप्लीकेशन वाले आपको दोस्तों तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हरेसमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि जो आप लोगों ने दोस्तों पैसा लिया है या लोन लिया है तो वो पैसा आपको किसने दिया है। तो वो पैसा दोस्तों आपको कोई कंपनी वाले देते हैं या फिर इन्वेस्टर देते हैं, ना कि आपको सरकार की तरफ से पैसा आया है। यहाँ पर दोस्तों दो तरह से आपको लोन मिलता है। सबसे पहले अगर आप लोग दोस्तों बैंक से अगर लोन लेते हैं तो वो बैंक का लोन सैंक्शन होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि वो लोन दोस्तों सरकार की तरफ से आता है, RBI की तरफ से आता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लोन है वो आपको किसी इन्वेस्टर ने या किसी कंपनी ने आपके ऊपर पैसा लगाया है या इन्वेस्ट किया है और इसके बदले में वो लोग हाई रिटर्न चाहते हैं। इसी वजह से इंटरेस्ट रेट आप लोग देखिएगा इन सभी एप्लीकेशंस का बाकी बैंक लोगों से तो काफ़ी हाई होगा। लोन जो दोस्तों यहाँ पे मिलता है वो आपको अनसिक्योर लोन मिलता है, बिल्कुल भी सिक्योरिटी लोन की नहीं होती है। अगर आप लोग लोन नहीं दे पाते हैं तो वो लोग पैसा जो है आप कंपनी को या इन्वेस्टर को दोस्तों लॉस होगा, आपको यहाँ पे डरने वाली कोई भी बात नहीं है, पैसा किसी और ने लगा रखा है। तो अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी फाइनेंशियल इशू से तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी आपके पर लीगल एक्शन दोस्तों नहीं लिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों डर लगता है वो यही लगता है आप लोगों को कि क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो लीगल एक्शन बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन वाले आपके साथ क्या क्या करेंगे। तो एप्लीकेशन वाले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करेंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे कि जल्दी से पैसा पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उन लोगों को काफ़ी कॉल करके उन लोगों को भी परेशान करेंगे और साथ में आपको भी परेशान करेंगे। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल को रोकने का सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने फ़ोन से इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लीजिए और फिर उसके बाद क्या करना है तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट को पूरी तरह से डिलीट कर देना है और फिर से वहाँ पे आपको फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करके और इस और साथ ही में फिर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और फिर साइनअप कीजिए। तो पुरानी वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट दोस्तों डिलीट हो जाएगी और नई वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी। ये 99% वर्किंग ट्रिक है जो दोस्तों काम करती है हर जगह, 99% वर्किंग ट्रिक है जो अगर आप लोग अपनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे तो जो आपका लोन का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, इतना ज़्यादा हाई होगा कि आपको फिर यहाँ पे लोन उतना आप चुका ही नहीं पाएंगे। 10,000 का लोन 50,000 का हो जाएगा, 50,000 का लोन 5,00,000 का हो जाएगा अगर आप लंबे समय तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तब डेली चार्जेस, फाइन्स प्लस एक्स्ट्रा लगते लगते आपका लोन इतना ज़्यादा हैवी कर देता है। लेकिन ये सारी एप्लीकेशन दोस्तों मैं बस बता देता हूँ कि अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें कि अगर आप लोग लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये लोग आपको डराएंगे क्योंकि कोई भी पैसा अगर आपके ऊपर लगाता है तो वो पैसा आपसे कमाना चाहता है, आपसे पैसा वसूलना चाहता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा आपके घर के आसपास कोई किसी एजेंट को दे देंगे जो कि फर्जी होता है दोस्तों, रियल नहीं होता है। अगर आप उससे ID प्रूफ मांगेंगे तो वो कोई भी ID प्रूफ आपको दिखा नहीं पाएगा, इसकी मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा उसको दे देते हैं किसी एजेंट को और बोलते हैं कि आपके घर से जाके पैसा वसूल के लाने के लिए। तो अगर वो आपके घर से 15,000 वसूल करके लाएगा तो उस एजेंट को भी 1,500 उसमें से कमीशन मिलेगा, इसीलिए वो एजेंट आपके घर पे बार बार पहुंचेगा और पहुंच के आपको धमकी देगा कॉल करके। तो आपको यहाँ पे एजेंट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अगर वो आपको धमकी देता है या आपको डराता है तो आप सीधे रिकॉर्डिंग करके उसके ऊपर FIR कर दीजिए, केस कर दीजिए, वो उल्टा फंस जाएगा क्योंकि ये एकदम ही इलीगल काम है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन वाले ऐसा कुछ करते हैं और कुछ ही पैसे का लालच देके किसी को भी आपके घर पे भेज देते हैं, तो 100% इलीगल है। नेक्स्ट बात करेंगे तो नोटिस की बात की जाए तो नोटिस भी फर्जी होता है। नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं केस हो चुका है, लेकिन कोई भी केस वगैरह आपके ऊपर नहीं होता और ना ही कभी भी आपके ऊपर केस वगैरह हो सकता है। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि नोटिस से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो आखिर में ये एप्लीकेशन वाले आपके ऊपर करेंगे क्या, तो ये एप्लीकेशन वाले दोस्तों करेंगे क्या तो ये RBI को कंप्लेंट करेंगे और साथ ही में सिविल में रिपोर्ट करके आपको डिफॉल्टर बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बन जाएंगे डिफॉल्टर, सरकार के घर में आप डिफॉल्टर बन चुके हैं। अब आपको कहीं से भी कोई अदर लोन नहीं दिया जाएगा। फिर आप कितना भी मेडिकल लोन, पर्सनल लोन के लिए घूम फिर लें, तो किसी भी कंपनी के पास चले जाए, किसी भी बैंक के पास चले जाए,
तो वो बैंक या वो कोई कंपनी आपको कभी भी लोन नहीं देगी, वो चेक करेगी आपके सिविल में, तो पता चलेगा कि आप डिफॉल्टर है, आपने पहले से पैसा नहीं चुकाया है, तो आपको आगे इन फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा, सिविल स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप कहीं पर नौकरी के लिए जाते हैं, अगर आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नौकरी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जहाँ पर सिविल कम होता है तो वो आदमी समझ जाता है कि इस आदमी ने किसी का पैसा अभी तक वापस नहीं लौटाया है। तो अगर आप लोग पैसा नहीं लौटाते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सरकार के घर में डिफॉल्टर बन जाते हैं, इसके अलावा ये एप्लीकेशन वाले आपका कुछ नहीं फाड़ सकते। तो अगर आपको फ्यूचर में इन लोगों का लोन देना है, फ्यूचर में दोस्तों लोन ये देना है, तो फिर आप फ्यूचर में नहीं देके अभी पेमेंट कर दीजिए, और अगर लोन नहीं देना है तो फिर कभी भी लोन मत दीजिए, लेकिन याद ये रखिएगा कि फिर फ्यूचर में आपको कभी भी लोन कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। मैंने जितने भी NBFC के ऐप्स हैं उन सभी के बारे में ये बात की है, यहाँ पे खासकर नाम मैंने मेंशन कर दिया, किश्त, नावी, स्मार्ट कॉइन, एम पॉकेट, कैशी और ट्रू बैलेंस का, जो कि काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है काफ़ी सालों से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।